नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। 19 मई को वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें 23 मई को टिकी है, जब नतीजे घोषित होंगे। वो ऐतिहासिक दिन जब देश को नई सरकार मिलेगी, जो देश की दशा और दिशा दोनों तय करेगी। लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, खासकर ममता बनर्जी का गढ़ कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल ने पिछली बार बंगाल की 42 सीटों में से टीएमसी को 34 सीटों पर जीत का परचम लहराया था टीएमसी ने, तो वहीं 2 सीटों के साथ बीजेपी को संतोष करना पड़ा था। तो वहीं कांग्रेस को 4 और सीपीएम सीपीआई के खाते में 2 सीटें आई थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल में जीत तोड़ मेहनत की, जमकर चुनाव प्रचार किया और वोटिंग के दौरान हिंसक झड़पों से लेकर तमाम चीजों ने दिल्ली से लेकर बंगाल की राजनीति का पारा चढ़ा दिया था, वहीं एग्जिट पोल के आए आंकड़ों ने बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। तमाम एग्जिट पोल में बंगाल की ज्यादातर सीटों पर कमल खिलते हुए दिखाया जा रहा है। और आइए एक नजर डालते हैं अब तक के आए तमाम एग्जिट पोल पर, जो बंगाल में बीजेपी को डबल डिजिट में दिखा रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस के सर्वे में बीजेपी को 19 से 23, टीएमसी को 19 से 22 और लेफ्ट को 0 और कांग्रेस को 1। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में टीएमसी को 29, एनडीए को 12, लेफ्ट को 0 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एबीपी नेल्सन के एग्जिट पोल में बीजेपी को 16, टीएमसी को 24, कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ वीएमआर के एग्जिट पोल में एनडीए को 18 से 26 सीटें, टीएमसी को 13 से 21, तो वहीं यूपीए को 3 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं रिपब्लिक टीवी सी वोटर के पोल की, तो वहां एनडीए को 11, यूपीए को 2 और टीएमसी को 29 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं एग्जिट पोल के आए आंकड़ों पर दीदी को भरोसा नहीं है। दीदी ने ट्वीट कर कहा, मुझे एग्जिट पोल की बातों पर भरोसा नहीं है, ये गेम प्लान है ताकि चालाकी से काम किया जाए या फिर हजारों ईवीएम को इस बात से बदला जाए। मैं विपक्ष दलों से अपील करती हूं कि वो एकजुट और मजबूत रहे, हम इस लड़ाई को एक साथ लड़ेंगे। फिलहाल तो ये एग्जिट पोल हैं जो वोटिंग के बिना पर अनुमान लगाए जाते हैं। अब 23 मई के नतीजे बताएंगे कि बंगाल की जनता ने इस बार किसका साथ दिया है। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता राणा को दीजिए इजाजत। Thank you.